बाहर कौन आ रहा है, मोदी, राहुल या कोई और? भाई मोदी आएगा। जब देश का राजा ईमानदार होता ना तो विपक्ष इकट्ठा हो जाता है। हाँ, जो देश का राजा ईमानदार है तो सारा विपक्ष इकट्ठा है। अच्छा, बस चोर है सारे जो से मिल रहे हैं इकट्ठे। अच्छा, हाँ खाली मोदी ही आएगा, प्राइम मिनिस्टर फिर बनेगा। ये सर सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, हाँ इनके पल्ले कुछ नहीं है, इन्होंने देश को खाया ही अभी तक। सिर्फ यही एक प्राइम मिनिस्टर है जो सर देश को बनाने वाला है। हम चलाते हैं, हमारा टैक्स बेस बढ़ गया है, लेकिन हम कहते हैं ठीक है मोदी आना चाहिए। बस हमें तो मोदी चाहिए। हाँ, लोगों को तो 15 लाख भी चाहिए, आपको नहीं चाहिए 15 लाख? तो वो 15 लाख उसने कहा ही नहीं। अच्छा, उसने कहा था भी अगर काला धन आ जाएगा तो हर के इतना पैसा काला धन बाहर गया हुआ है कि हर के अकेले अकेले बंदे के 15-15 लाख हिस्से आ जाए। कहने का रोजगार मिले, रोजगार मिले ना कि खातों में पैसा है। देश का सुधार होगा, लोगों को, नई युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। जैसे जो रोजगार मिलेगा देश अपना खुशहाल हो जाएगा। और जो पैसा आना है वो देश के हित में लगे, पर्टिकुलर आदमी क्यों मिलेगा वो? कोई भी फैसला गलत नहीं। जब से प्रधान ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का, हमारे जो इस भारत देश में रहे, हमारा गौरव है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और इतना हमारे देश का सम्मान आज तक 60 सालों में कभी नहीं हुआ जितना मोदी जी के आने से हुआ। चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं इसको देख के तो 1% का भी वो नहीं है कि बीजेपी नहीं आ सकती। और मोदी जी तो 100% आएंगे। हमारे को भाई जी मोदी के नाम पे ही बीजेपी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अच्छे हैं। जब वो अच्छे रहेंगे, नीचे टीम अच्छी रहेगी तो ऑटोमेटिक वो मजबूत होंगे। उनकी वजह से ही बीजेपी चाहिए, हमारे देश के रहे ताकि वो देश के आगे हित कर सकें और युवा वर्ग को, सबको रोजगार मिले और सभी लोग खुशहाल हो सकें। इतने खड्डे खुदे हुए हैं, इसको भरने में समय तो लगेगा ना जी। 60 साल में जो सरकारों ने नहीं किया वो मोदी जी अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो सीढ़ी चढ़ने में समय तो लगेगा ना थोड़ा सा, और जनता को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। नहीं देख रहे मोदी ने सिवा झूठ के कुछ नहीं बोला, लॉलीपॉप दिया, कुछ नहीं दिया सर। क्या करना चाहिए तो जो नहीं कर पाए? युवाओं को नौकरियां मिलनी चाहिए और जो गरीबी खत्म होनी चाहिए। गरीबी तो और बढ़ गई। हमारी पेनल्टी 250 रुपये थी रोज की, 50 रुपये 70 रुपये करती। अच्छा, हाँ जी, हमें तो नुकसान है, डीजल भी महंगा है। प्रियंका गांधी आएगी, प्रियंका वाड्रा की गांधी? हाँ जी, गांधी वाड्रा तो बाद में है। बच्चों को शिक्षित करना मोदी जी के काम थोड़े है, शिक्षित तो हम बनाएंगे बच्चों को अपने। अब इसमें मोदी का क्या कसूर है? मोदी नौकरी क्या बात सुनो, शिक्षित तो हम ही लोग बनाएंगे। आप शिक्षित नहीं करोगे बच्चों को, रोजगार की श्रेणी में नहीं खड़ा करोगे तो मोदी है जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी क्या करेगा? रोजगार थोड़ा कोई दे देगा भाई जी। वो तो बच्चे पढ़े ही लिखे बनाना तो हमारी ड्यूटी है। सारे पढ़ ही रहे हैं, झूठ बोल के नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं हुआ। 15 लाख बाबू नोटबंदी कर दी, जिस गरीब पे 500-500 के 5-10 उसने जोड़े, उसका खाता भी नहीं, आधी रात उसको बंद कर दिया, गरीब तो मर गया। माल्या जैसों को नोट दे के उन्हें विदेश भेज दिया। बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जो पहले 500 में काम होता था अब 1000 में हो रहा है, 2000 में हो रहा है। हम तो उस सरकार को चाहते हैं जो विकास करे, गरीबी कटे।